टोटल प्राइम आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। कभी पार्टी की धुरी रहे चेहरे एक एक कर दूर होते चले गए। किसी ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाया, किसी ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया। ये सब होता रहा लेकिन केजरीवाल खामोश रहे। कैसे आप में अपने हुए बेगाने, क्यों सवाल खड़े हुए आप पर, देखिए टोटल प्राइम। लेकिन शुरुआत आम आदमी पार्टी में एक एक कर सब बारी बारी से दूर होते चले गए हैं। एक बड़ा झटका साल की शुरुआत में लगा आम आदमी पार्टी को, जब पार्टी के वरिष्ठ वकील एचएस पुलका ने भी पार्टी को छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह देखने को मिली, तो वहीं ये मसला भी शांत नहीं हुआ था कि फुलका के इस्तीफे ने आप में एक बार फिर से हलचल तेज कर दी। आपके हाल ठीक है, ये ख्याल इस वक्त हर कोई पूछने को बेचैन है। जी हाँ, एक के बाद एक घमासान ने आप में हलचल मचा रखी है। जिस तरह से एक के बाद एक आपके चर्चित चेहरे पार्टी से निकलते जा रहे हैं, ऐसे में आप में खलबली देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज लोग एक के बाद एक बगावती तेवर में भी नजर आ रहे हैं। अलकलामा का मसला अभी शांत ही नहीं हुआ था कि फुलका के इस्तीफे ने केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी। वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के नेता एचएस फुलका ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने के पीछे उन्होंने कहा है कि इस्तीफा इसलिए दिया ताकि फिर से अन्ना हजारे के आंदोलन जैसा मूवमेंट खड़ा करे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन को गलत फैसला करार दिया। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील एचएस फुलका ने कहा है कि आज से 8 साल पहले जब देश में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, तो अपने अपने क्षेत्र के समाज सेवक जुड़े और एक संगठन बनकर खड़ा हो गया, जो पॉलिटिकल पार्टी के पैरेलल खड़ा हो गया, और ऐसे संगठन की देश को बहुत जरूरत थी। फिर सोचा गया कि इसको पॉलिटिकल पार्टी में बदल दिया जाए, जिससे और भी ज्यादा समाज सेवा हो सके। देश में बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी हुई, अन्ना मूवमेंट। उस वक्त बहुत से समाज सेवी थे जो सोशल वर्क में काम कर रहे थे, अपने अपने फील्ड में समाज की सेवा कर रहे थे। वो इकट्ठे हुए होके एक ऐसा संगठन बन गया कि वो संगठन एक पैरेलल फोर्स बन के खड़ा हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज के पैरेलल फोर्स बन के खड़ा हो गया। बहुत बड़ा वो संगठन बन गया और उस संगठन में इतनी पावर थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इग्नोर नहीं कर सकती थी। एचएस फुलका ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में लोगों का समर्थन मिला और फिर बड़े अंतर से विधायक बना। पिछले एक साल से राजनीति से किनारे हूँ ताकि 1984 के केस पर काम कर सकूं। 5 साल की राजनीति ने ये सिखाया है कि 2012 में अन्ना आंदोलन को राजनीति में तब्दील करने का फैसला गलत था। आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहिए था। आज फिर अन्ना आंदोलन जैसे आंदोलन की जरूरत है। फुलका ने ये भी कहा है कि मैंने कम उम्र में राजीव गांधी की ताकतवर सरकार से लोहा लिया, कई लोगों का साथ मिला और आज हम लड़ाई जीते। इस्तीफा देने का कारण है कि हम फिर से अन्ना हजारे जैसा आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। मैंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, हालांकि अभी विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर नहीं किया है। मगर मूवमेंट को खत्म नहीं होना चाहिए था। आज मेरा ये विचार है, आज हमें जरूरत है एक वही अन्ना हजारे जैसी मूवमेंट देश में खड़ी करने की, एक पैरेलल संगठन ऐसा खड़ा करने का जो जिसमें ये ताकत हो कि सच को सच कहे और गलत को गलत कहे। आज बहुत जरूरत है इस तरह की कि जो हु कैन कॉल स्पेड ए स्पेड। हमारे फुलका ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा, सज्जन कुमार के खिलाफ मिली इतनी बड़ी जीत को खुद की राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के बड़े नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोगों को जेल भिजवाना है। फुलका ने कहा, गैर कांग्रेसी दल की कॉमन प्लेटफॉर्म पर ये अभियान चलाएंगे,
हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में आपका हाल बेहाल भी हो सकता है। फिलहाल देखना होगा कि आपसे अलग होने के बाद फुलका का अगला कदम क्या होता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। आम आदमी पार्टी के उदय के साथ ही बड़ी तादाद में लोग इस पार्टी से जुड़ते गए। पार्टी सत्ता में आ गई, संगठन को विस्तार देने के लिए पार्टी जुटी, लेकिन संगठन के स्तर पर फैसलों को लेकर मतभेद के साथ मनभेद बढ़ते गए और एक एक कर पार्टी के पुराने चेहरों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। भारतीय राजनीति में असीम संभावनाएं हैं, हजार मौके हैं जब भी निराशा बढ़ने लगती है और ये लगने लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, ठीक उसी वक्त किसी पार्टी किसी नेता की चमत्कारी एंट्री होती है और लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी ने भी ऐसी ही धमाकेदार एंट्री की थी जिससे दिल्ली की दोनों पार्टियां हिल गईं। इस पार्टी ने लोगों में ऐसी उम्मीद जगाई कि आम आदमी को लगा कि देश में सारे बदलाव कर ये पार्टी एक आदर्श भारत का निर्माण करेगी। आम आदमी पार्टी का उभरने का सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था क्योंकि केंद्र और राज्य में उन्हीं की सरकारें थी, इसलिए केंद्र में यूपीए और राज्य में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार पर जब आम आदमी पार्टी ने आरोपों की झड़ी लगाई तो लोगों ने खूब तालियां बजाई और कांग्रेस के वोटर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर बन गए। 2015 में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने हाथ आजमाया और उसे रिकॉर्ड तोड़ वोट मिले। दिल्ली विधानसभा में 70 में से 67 सीटों पर कब्जा कर आम आदमी पार्टी दिल्ली की नंबर वन पार्टी बन गई। बीजेपी को उसने 3 सीटों पर समेट लिया और 15 साल दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। बदलाव की राजनीति का सपना सजोकर देश की सियासी फलक पर तेजी से उभरने वाली आम आदमी पार्टी के लिए साल 2015 भले ही दिल्ली की सत्ता लेकर आया हो, लेकिन जीत के बावजूद अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में बगावती सुर को संभाल नहीं पाए। संस्थापक सदस्यों ने केजरीवाल पर पार्टी को मूल दिशा से भटकाने का आरोप लगाया। दिक्कतें तब बड़ी हुई जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की दिशा तो नहीं बदली लेकिन विरोध की आवाजों को दबाना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि स्वराज का आइडिया देने वाले विनोद कुमार बिन्नी और पार्टी को 1 करोड़ का चंदा देने वाले संस्थापक सदस्य शांति भूषण के पार्टी से अलग होने का शुरू हुआ। ये सिलसिला एचएस फुलका तक जारी है। पद प्रतिष्ठा और पैसे से दूर रहने की बात कहने वाली आम आदमी पार्टी पर अब यही आरोप सबसे ज्यादा लग रहे हैं। पिछले कुछ सालों में संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, आनंद कुमार, शाजिया इल्मी ने पार्टी छोड़ी। किरण बेदी और शाजिया इल्मी ने बीजेपी का दामन थामा जबकि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने अपनी पार्टी स्वराज इंडिया बनाई। इस टूटन को आम आदमी पार्टी ने जैसे तैसे संभाला और सरकार का कामकाज संभालते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन को बढ़ाया गया, कई राज्यों में संगठन को खड़ा किया गया। पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने पर काम हो ही रहा था कि राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर पार्टी में सरखुटवल शुरू हो गया। कुमार विश्वास नाराज हुए तो आशुतोष खामोश हो गए। आशुतोष ने पार्टी से दूरी बनाई और फिर इस्तीफा देकर पार्टी से विदा हो गए। सिलसिला यही नहीं रुका, संगठन में आलाकमान कल्चर के बढ़ने के साथ साथ पुराने लोगों में नाराजगी थमी नहीं। जहां जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात में विपक्ष के साथ साथ अपनों के निशाने पर आम आदमी पार्टी रही, लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी में शामिल लोग अलग अलग विचारधारा अलग अलग सामाजिक तबके के थे, लिहाजा हर मुद्दे पर सहमति होना मुश्किल है। राइट लेफ्ट सभी सोच के लोग आम आदमी पार्टी का हिस्सा हैं, लिहाजा वैचारिक मतभेद होंगे, फैसलों पर पार्टी के भीतर सवाल भी उठेंगे और कुछ लोग नाराज भी होंगे, और ये भी सच है कि सभी की आकांक्षाओं को पूरा कर पाना ऐसे हालात में मुश्किल है। सियासी तौर पर नई पार्टी भी जब समय के साथ सियासत की बारीकियों को समझ लेगी तो शायद न ये विवाद होंगे न नाराजगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। हम तो चले, आज आप में कुछ ऐसे ही हालात हैं। एक के बाद एक नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद से पार्टी की विचारधाराओं के परिवर्तन होने के आरोप लगते रहे हैं। आपका क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। एक के बाद एक, इन शब्दों का इस्तेमाल हम आम आदमी पार्टी के लिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक के बाद एक नेता पार्टी का साथ छोड़कर परदेशी हो रहे हैं। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए।
शुरुआत कहां से करें? पार्टी बनी, चुनाव हुआ, जीत मिली, जीत के साथ साथ साथी नेताओं के इस्तीफे की होड़ लगी। सबसे पहले बगावत करने वाले बिन्नी, फिर तो ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी के नेता तो इस्तीफे का कोर्स करके आए हैं, जिसको देखो वही इस्तीफा दे रहा है, यहाँ तक कि सीएम भी इस काम में माहिर है। सीएम ने इस्तीफा दिया और चल पड़े लोकसभा चुनाव के रण में। लोकसभा चुनाव में पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पंजाब ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली, चार सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे। हार के बाद पार्टी में कलह का दौर शुरू हो गया था। फिर उसके बाद चुनाव दिल्ली का, दिल्ली की जनता ने पार्टी पर भरोसा जताया, 70 में 67 दिलाया, जीत मिली, लेकिन जीत को बरकरार न रख पाए। वो कहते हैं ना, विजय विनम्रता का सबसे बड़ा गहना है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही देखने को मिला। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा न जाने क्या हुआ, जो आवाज उठाए वो पार्टी से बाहर जाए। एडमिरल रामदास, प्रोफेसर आनंद कुमार, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, कई सारे नाम हैं जिन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। आशीष खेतान ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों आपके नेता और पेशे से पत्रकार आशुतोष ने भी इस्तीफा दे दिया था, और आशीष खेतान का इस्तीफा अपने आप में आम आदमी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। खेतान डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष थे। खेतान नई दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी किसी पंजाबी चेहरे को सीट से उतारना चाहती थी, इसलिए आशीष खेतान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन खेतान के करीबियों का कहना है कि खेतान कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। अब तो यही लग रहा है कि आपका क्या होगा। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल मुसीबत में पड़ गए हैं। जैसे जैसे चुनाव का महीना पास आ रहा है, वैसे वैसे ही अकेले पड़ते जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अलका लांबा के इस्तीफे के बाद अब वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के नेता एचएच फुल्का ने इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठ नेता और वकील हरविंदर सिंह फुल्का ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फुल्का ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली के प्रेस क्लब पहुंचेंगे और वहां कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बताएंगे। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती नजदीकियों से फुल्का कई बार नाराजगी जता चुके हैं। एचएस फुल्का ने ट्वीट करके कहा, मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा केजरीवाल को सौंप दिया है। हालांकि उन्होंने मुझे इस्तीफा देने से रोका भी, लेकिन मैंने इस्तीफे पर जोर दिया, मैंने पार्टी छोड़ दी है, कारणों और भविष्य की योजनाओं के बारे में मैं आगे जा रहा हूँ। पेशे से वकील फुल्का ने 2014 में पहली बार आपके टिकट पर लुधियाना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। पिछले साल वे फिर पंजाब विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे और जीत दर्ज की। हालांकि थोड़े दिनों बाद एचएस फुल्का ने विधायकी छोड़ दी और कहा कि वे अपना पूरा ध्यान 1984 के दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने में लगाना चाहते हैं। जिस तेजी से पार्टी बनी थी, प्रदर्शन किया था, उतनी ही तेजी से पार्टी से नेताओं का मोह भंग होता जा रहा है। दो बड़े चेहरे हैं जो नाराज चल रहे हैं, कुमार विश्वास और अलका लांबा। आम चुनाव नजदीक है और ऐसे में नेताओं का इस्तीफा पार्टी के मनोबल को कमजोर करेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। बहरहाल, आम आदमी पार्टी को 6 साल हो चुके हैं। इन बीते सालों पर अगर आप नजर डालें तो आपका क्या हाल हुआ, और जो सपने दिल्ली की जनता को दिखाए थे आम आदमी पार्टी ने, उनका क्या हुआ? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी राजनीति में लंबी छलांग लगाकर 6 साल पूरे कर चुकी है। वैकल्पिक राजनीति करने आई ये पार्टी दरअसल अन्ना हजारे के करप्शन विरोधी लहर की पैदावार है। लेकिन वक्त का सितम देखिए, ये पार्टी सियासत की जमीन पर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करती गई, लेकिन जिस कोख से पैदा हुई उससे अब बिल्कुल बिछुड़ चुकी है। अन्ना हजारे तो पार्टी के बनने के साथ ही इससे दूर हो गए, लेकिन पार्टी की स्थापना के वक्त जो बड़े नाम बड़े चेहरे साथ थे, रफ्ता रफ्ता कर एक एक किनारे होते गए। जरा अतीत के पन्ने को पलटिए, जन लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना की अगुवाई में चले आंदोलन की तस्वीरें एल्बम में खंगाले तो हजारों लोगों का हुजूम पल पल नजर आता है, जो अपना काम छोड़कर समर्थन में खड़े होते नजर आते थे इस आंदोलन के। तभी तो दिल्ली में आंदोलनकारियों का जनसैलाब दिखा। हर कोई दिल्ली से हुंकार भर रहा था कि देश में लोकपाल भी लाना चाहिए।
इसी आंदोलन के दौरान केंद्र में सत्तासीन पार्टी द्वारा मिल रही चुनौतियों को लेकर केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 नवंबर 2012 को जंतर मंतर पर राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की थी। 26 नवंबर 2012 को राजनीतिक पार्टी बनाई आम आदमी पार्टी। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, प्रोफेसर अजीत झा, प्रोफेसर आनंद कुमार, शाजिया इल्मी, अशोक अग्रवाल, मयंक गांधी, ये बड़े चेहरे अब पार्टी के अतीत का हिस्सा बन चुके हैं। 2013 में बनाई पहली सरकार। पार्टी ने पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा। आपने उस वक्त चुनाव में 28 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई। लोकपाल की मांग की उपज रही पार्टी ने 49 दिनों के बाद ही विधानसभा में लोकपाल को पेश किया, लेकिन समर्थन नहीं मिला, जिसके बाद केजरीवाल ने त्याग पत्र दिया और सरकार गिर गई। इसके बाद फरवरी 2015 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की झाड़ू ऐसी चली कि पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। आप सरकार का दावा रहा कि उसने अपने शासनकाल में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अच्छे काम किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की है, गरीब लोगों को उपचार में राहत मिली है, बिजली के दाम आधा करने का वादा भी आप सरकार ने पूरा किया। लेकिन पार्टी लगातार अपने काम को लेकर सुर्खियों में रही, साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ अनबन को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। एक तरफ काम का कमाल, दूसरी ओर आपसी बवाल। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पार्टी के आंतरिक कलह की वजह से किरकिरी भी सहती रही। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पार्टी के आंतरिक कलह की वजह से भी सुर्खियों में रही। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पार्टी में भीतरी कलह बाहर आने लगी। हाल ये है कि 2012 में जब पार्टी शुरू हुई, तब जो लोग पार्टी का हिस्सा थे वो अब पार्टी से बाहर हैं या उन्हें बाहर कर दिया गया। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। 2015 में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ प्रोफेसर आनंद कुमार को भी आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने तो केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। पिछले कुछ समय से पार्टी के स्टार प्रचारक कुमार विश्वास भी काफी खफा हैं। राज्यसभा न भेजे जाने पर उन्होंने तो खुलकर विरोध भी जाहिर किया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राजस्थान प्रभारी के पद से हटा दिया था। वहीं आशीष खेतान, आशुतोष भी अब पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। दिल्ली की जनता 6 साल बाद भी आम आदमी पार्टी पर कितना विश्वास करती है, ये तो अगला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। लेकिन 6 साल में पार्टी का दावा है कि उसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि वैकल्पिक राजनीति का दावा करने वाली पार्टी अपने दल के भीतर में आंतरिक लोकतंत्र नहीं ला सकी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए राजनीति में बेशक लंबी छलांग लगाई हो आम आदमी पार्टी ने, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।